सो हेलो वॉसम पीपल, हियर से सभी दोस्त बड़े क्या हाल, तो वेलकम यू ऑल टू वेरी फ्रेश न्यू ब्लॉग। एक नए ब्लॉग पे आप लोगों का स्वागत है। सो आज का जो ये ब्लॉग होने वाला है, ये होने वाला है ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ माय एंटॉर्क, जो कि मुझको बहुत दिनों से प्रॉब्लम दे रहा है। एंड मतलब भेजा वगैरह खराब करके रखा है मेरे एंटॉर्क ने। एंड क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, मेरा अभी स्कूटी नीचे है, नीचे जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी मतलब तीन दिन से मैंने स्कूटी नहीं चलाया, घर से नहीं निकाला, एंड क्या क्या प्रॉब्लम है आपको सब जानना जरूरी है। सो इस ब्लॉग को एंड तक देखो, एंड आप लोगों को भी बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, आशा करता हूँ। तो अभी चलते हो नीचे, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेट्स गो। अभी मैं बिल्डिंग के नीचे आ चुका हूँ, स्कूटी वगैरह तो मैंने अभी यहाँ पर रखा है, आप लोगों को दिखाऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। एंड अभी जाके और एक प्रॉब्लम दिखाई दिया मुझको, तीन दिन स्कूटी बंद था और अभी और एक प्रॉब्लम दिखाई दिया। प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से बोल देगा प्रभाकर। तो सो हियर इज माई बीस्ट एंटॉर्क, धूल देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर AMBB ब्लॉग्स लिखूंगा, आप लोगों को पूरा विजिबल होगा, देखना AMBP, देख लो धूल, देख लो धूल, चेकआउट द धूल। सो तीन दिन यहाँ पर मैंने रखा था अपने गैराज पे, धूल से लथपथ हो चुका है, जस्ट चेक इट आउट, क्या हाल होके रखा है। एंड मैट ब्लैक करने का यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि किस तरीके से धूल यहाँ पर बैठा है, आप लोग जस्ट चेकआउट करो किस तरीके से धूल बैठा है। सो कुछ दिन पहले तो मैंने इस पर पॉलिश किया था, तो एक वाटर वॉश देने से होगा, शैम्पू नहीं देने से भी चलेगा, ज़्यादा घिसूंगा तो उसका ग्लेज भी चला जाएगा। मेजर दिक्कत जो मुझे अभी हो रहा है ये है मेरे टायर को लेके। टायर को देख के तो पता लग पा रहा होगा ना, ये टायर पूरा फ्लैट हो चुका है। प्रभाकर तुझे क्या लगता है टायर कैसा फ्लैट हुआ है, पूरा फ्लैट अभी चेंज करने का टाइम आ चुका है क्या, बोल, चेंज करने का टाइम आ गया है? 1000 तो चलना चाहिए, अभी भी 1000 चलना चाहिए। इसमें लीक्स कितना है, इसमें लीक्स कितना है पता है? अगर देखोगे तब तो चेंज करना ही पड़ेगा, और अगर आप बस ग्रिप वगैरह देख रहे हो, देखना देख लीक, ये लीक भी खत्म हो रहा है, अभी लगभग 14 लीक है अभी इस टायर में, तब तो चेंज करना चाहिए विदाउट एनी क्या बोलूं, विदाउट एनी हेजिटेशन। अभी मेरे टायर में एट प्रेजेंट 14 लीक्स है, अभी इन 14 लीकों को ठीक करवाते करवाते पुराना जो 5 लीक है, एक सबसे पहले जो 5 लीक हुआ था वो अभी प्रॉब्लम दे रहा है, इसका कैप भी चला गया। वैसे ये कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, ये कैप खरीद के लगा दूंगा यहाँ पर, तो अभी मुझे जाके टायर चेंज करना पड़ेगा एनी हाउ। सोचा था कि JK का टायर या फिर CH का टायर या फिर MRF का टायर लगवाऊंगा, MRF तो मैं लगवाऊंगा ही नहीं, एंड मुझे MRF से पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दिक्कत है। मैंने इतना कंप्लेंट सुना है MRF के बारे में, इतना कंप्लेंट सुना है कि एक साल के ज़्यादा MRF का टायर टिकता ही नहीं है, और इतने सुनते सुनते क्या हो गया ना, मतलब मुझे अगर MRF का ठीक भी टायर मिलता है फिर भी मुझे MRF खरीदने का कोई मन भी नहीं है। अगर आपका, मैं स्पेशली एंट्रो के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पीछे का जो टायर का सेक्शन है वो बड़ा है एंट्रो का, कंपेयर टू नॉर्मल स्कूटीज एंट्रो का जो पीछे का टायर है वो 110/80 सेक्शन का है। सो अभी मैं यहाँ पर TVS का ही लगवाने वाला हूँ। एक बात मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, कंपनी से जो टायर फिट होके आता है, फॉर एग्जांपल आपके स्कूटी पे अगर MRF फिट होके आता है, मैं बोलूँगा MRF ही लगवाओ। अगर आपका स्कूटी पे TVS का टायर फिट होके आता है, बोलूँगा TVS का ही लगवाओ, क्योंकि कंपनी जो टायर आप लोगों को देता है ना, तो वो टायर वो हिसाब पे वो देता है कि स्कूटी बैलेंस रहेगा, प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, आप लंबा चला सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने JK या फिर CH का लगवा लिया, एंड कंपनी ने दिया था MRF का, इससे क्या होगा ना, टायर लास्टिंग थोड़ा कम हो जाता है, इससे थोड़ा बहुत कम हो जाता है, या फिर आपको चलाने में, आपको बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आप बोलोगे सिर्फ टायर ही तो दूसरे कंपनी का लगवा रहा हो, सेक्शन सेम है, सब सेम है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? कंपनी एक सोच समझ के एक कंपनी का टायर आप लोगों को फिट करके देता है, ताकि आपको प्रॉपर बैलेंसिंग वगैरह मिल जाए, प्रॉपर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कॉर्नरिंग बोल लीजिए, टायर का मेंटेनेंस बोल लीजिए, है ना। सो ये बात रियलाइजेशन का है, आप जितना चलाओगे, आप जितना एक्सपीरियंस होगा, आपको ये मालूम होता रहेगा। 5 साल हो चुका है मेरे स्कूटी को, एंड इसका प्रॉपर अगर वीडियो वगैरह देखना है तो प्रभाकर के चैनल पे चले जाओ, अभी तो धूल से लथपथ है। सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक ऑन द टायर। अभी और एक प्रॉब्लम मेरा ये हो रहा है, मेरा जो बैटरी है वो टाइट है, फुस हो चुका है, क्यों हुआ है पता नहीं,
क्योंकि बैटरी को अभी 2 से 2.5 साल हो चुका है, बैटरी मैंने चेंज किया था। उसके बाद मैंने फॉग लाइट लगवाया, 3 महीना तो फॉग लाइट पे चला। उसके बाद 2 साल HJG के यहाँ पर मैंने LED हेडलैम्प लगाया था, इसने 2 साल, इसका भी 2 साल हो चुका है। तो ये बैटरी कौन ने सा लगवाऊँ, ये क्या सजेस्ट करते हो, मैं सजेस्ट करूँगा तो HJG का ये वाला लाइट लगा लगा ले, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला। ये वाला? हाँ, ये वाला लगाओ और उसके बाद जाके फॉग लाइट लगाना, क्योंकि फॉग लाइट में बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा सब LED है, इंडिकेटर्स भी LED है, फॉग लाइट भी है। उसके बाद जो HJG का LED हेडलाइट आता है वो भी मैंने यहाँ पर लगाया। इसके वजह से बैटरी का तो टाइट फूस हो चुका है। आपको दिखाता हूँ, मेरा स्कूटी ऑन है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखो मेरा स्कूटी ऑन है, लेकिन स्पीडोमीटर नहीं है। अभी यहाँ पर मैं किल स्विच ऑन करूँगा, फिर भी उसके नहीं है। बाद मैं यहाँ पर एक स्टार्ट दूंगा। देखो इतना बैटरी ख़त्म हुआ है, स्टार्ट भी नहीं होता है। तो अभी मुझे किक मारना पड़ेगा। सो यहाँ पर जाके मैं एक किक मारता हूँ सबसे पहले, तो मार दिया। अभी देखो अभी जाके यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर बैटरी का सिंबल भी आ चुका है, इसका मतलब बैटरी टाइट है, फुस। अभी मैं ओरिएंटल के सामने जीत भैया के दुकान पर आ चुका हूँ। आप लोगों ने पहले भी जीत दा का वीडियो देखा है, जब मैंने अपना सर्विसिंग मोबाइल वगैरह चेंज करवाया तो उन्होंने करके दिया था। अभी प्रभाकर नया टायर लगने जा रहा है मेरे स्कूटी पे, नया कंपनी का। सो थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में एक बात बोला था, अभी और एक बात बोल रहा हूँ। सो कंपनी फिटेड जो मेरे स्कूटी में टायर आता था वो TVS का आता था, इसलिए मैंने सोचा था TVS का लगवाऊंगा। एंड मैंने बहुत सारे रिव्यूज भी सुना था, एंड मोर ओवर जिद्दा ने भी मुझको सजेस्ट किया था कि तुम कंपनी फिटेड ही लगवाओ। अभी जिद्दा के यहाँ पर आने के बाद जिद्दा बोल रहे हैं कि JK का एक एंट्रॉक के लिए टायर आया है, 110/80/12 का टायर आया है, एंड वो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है TVS के कंपैरिजन में। एंड प्रभाकर कुछ तो खिचड़ी पक रहा है, अभी क्या खिचड़ी पक रहा है वो धीरे धीरे इसका इंस्टा को भी फॉलो करो, उसके बाद इंस्टा पे फॉलो करने के बाद वो स्टोरी पोस्ट सब अपडेट करेगा, मैं भी करूँगा। अभी इंस्टा पे बहुत बिजी रहने वाला हूँ, फुल बिजनेस टूल होने वाला है, तो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो फाइनली यहाँ पर अभी नया टायर आ चुका है, क्लिप वगैरह लगा हुआ है, एंड यहाँ पर JK टायर देख सकते हो। एंड द ग्रिप जो है टायर, द ग्रिप बहुत ही मज़ेदार ग्रिप है, देखने में तो लग रहा है यूज चलाने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। एंड जीत भैया यहाँ पर मुझे एश्योरेंस दे रहे कि इससे कॉर्नरिंग वगैरह जो भी तुम करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एंड सेक्शन भी आप लोग देख सकते हो, 110/80/12। तो अभी तक तो लग रहा है कुछ मज़ेदार वाला काम होगा। टायर क्वालिटी भी थोड़ा हार्ड है, TVS की तरह सॉफ्ट नहीं है, लग तो रहा है, अभी यूज़ करने के बाद पता चलेगा। प्रभाकर योर POV ऑन दिस टायर? JK का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, ये MRF और TVS का है, हमारा तो 30 है। तो इसका भी POV का वीडियो बना लेगा तू? हर चीज़ का भी, अगर ये टायर हगेगा तब भी तेरा वीडियो आएगा। कंडीशन है, नया वाला लग चुका है, सिनेमेटिक्स आप लोगों ने देख लिया है। अभी आप अगर टायर लगवाना चाहते हो जीत भैया के दुकान पे आ सकते हो, मेरा स्टिकर भी है, देख लेना।
स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड अभी पुराना टायर का कंडीशन दिखाता हूँ। तो ये है मेरा टीवीएस का पुराना टायर एंड यहाँ पर लिख देखो, अभी मैं दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4 उसके बाद 5 और अंदर से देखो इसका कितना बच्चा निकला है, 1 बच्चा 2 और कितना है प्रभाकर, तुझको बच्चा चाहिए क्या? अभी पूरा टायर अप डाउन हो चुका है लेकिन ग्रिप अभी तक अच्छा है, ग्रिप का पैटर्न अभी तक अच्छा है, फ्लैट नहीं हुआ है। मेरा पिछला वाला तो पूरा फ्लैट हो चुका था, पता नहीं ये क्यों हुआ। इससे मैंने असम राइड किया, इससे मैंने बहुत दूर दूर तक मैंने अपना राइड वगैरह किया। इनफैक्ट मैं और एक राइड पे जा रहा हूँ बहुत ही जल्द, आप लोगों को नोटिफिकेशन एंड सब मिल जाएगा। प्रभाकर मुझको सी ऑफ करने आ जाना। इसको लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। और मैं और एक हिंट दे देता हूँ, मैं अगले महीने निकल रहा हूँ, कुछ डेट वगैरह फिक्स नहीं किया है, फिक्स करने के बाद आप लोगों को बता दूंगा एंड कहाँ पर जा रहा हूँ। आई एम कीपिंग इट इन सस्पेंस। तो नया टायर लग चुका है, आप लोगों ने सिनेमेटिक्स वगैरह देख लिया है, तो अभी थोड़ा बहुत इसको रन करने का टाइम आ चुका है। अभी सबसे पहले फ्यूल अप भी करवाना है, कितना सारा काम 3 दिन में जम चुका है, धुलवाना भी है और क्या क्या करवाओ, है ना। अभी सिर्फ पैसा। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था मेरे स्कूटी के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो पेट्रोल वगैरह भरवाता हूँ एंड बैटरी जब चेंज करूँगा आप लोगों को दिखाऊँगा मैं। सो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, कुछ भी चीज़ के लिए अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगता है यू हिट द लाइक बटन, अच्छा लगा तो शेयर करना। अगर इस टायर के बारे में और किसी को आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर से करना क्योंकि 1K फैमिली अभी फटाफट से कम्प्लीट करना है। लेट्स गो।